मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की गई है। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। एनआईए जांच की सिफारिश क्यों की गई है? दिल्ली एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश की है आम आदमी पार्टी पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंडिंग लेने का आरोप है। यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। सिख फॉर जस्टिस जो कि आतंकी संगठन है उससे फंडिंग लेने के आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी पर $16 मिलियन फंडिंग लेने का आरोप लग रहा है, $16 मिलियन। तो अरविंद केजरीवाल पर यह एनआईए जांच की सिफारिश दिल्ली के एलजी ने की है। क्यों की है? कि आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से इन्होंने पैसा लिया और जैसा मैंने कहा उस फंडिंग को लेकर अब $16 मिलियन फंडिंग के आरोप लग रहा है। $16 मिलियन लिए गए और आम आदमी पार्टी के लिए लिए गए और एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आतंकी संगठन है, जो कि एक बैंड संगठन है, उससे पैसे के अरविंद केजरीवाल ने लिए। अब बड़ी खबर है ये। मैं बड़ी खबर इसलिए कह रही हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इस वक्त जेल में है, जिन पर एक पूरी जांच चल रही है, उनके ऊपर अब एनआईए जांच क्या बैठेगी, क्योंकि एलजी ने तो सिफारिश कर दी है। मैं एक बार जरा अपने मेहमानों का परिचय करा दूं, क्योंकि शुरुआत मुझे लगता है इसी से करनी चाहिए। के शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी प्रवक्ता है एलजेपीआर के। दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में है। प्रियंका भारती जी आरजेडी की प्रवक्ता है और प्रोफेसर अखिल स्वामी है राजनीतिक विश्लेषक के स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। ये बड़ी खबर है और मैं इसलिए कह रही हूं, भले ही आम आदमी पार्टी के कोई प्रवक्ता इस वक्त हमारे पास नहीं है, लेकिन एनआईए जांच और सिख फॉर जस्टिस से $16 मिलियन लेने के लिए, अब मुझे यह बता दीजिए एक बार दुष्यंत जी, क्योंकि एक तो गठबंधन है और जिन पार्टियों का गठबंधन आम आदमी पार्टी से है, अब उनको भी इस पर सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि एक आतंकी संगठन से क्या पैसे लिए गए? एनआईए जांच अगर होगी तो क्या यह भारी पड़ेगी? देखिए, आतंकवाद का, आतंकवादी संगठन का इंडिया अलायंस और उसके समर्थक कभी कोई समर्थन नहीं करते। समर्थन तो आप आम आदमी पार्टी का भी नहीं करते थे। आम आदमी पार्टी का मुद्दों के आधार पे गठबंधन है और जांच करने के लिए अगर एलजी साहब ने कहा आप जांच करिए, जांच का हम स्वागत करेंगे, लेकिन साथ ही मैं ये प्रश्न पूछूंगा हमारे मित्र के शर्मा जी से कि कल चुनाव होना है, आज शाम को ही ये खबर ब्रेक हुई, आज से 4 दिन पहले भी कर सकते थे, और अगर आम आदमी पार्टी कथित रूप से किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से धन ले रही थी तो आज तक आप क्या कर रहे थे भाई, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? अच्छा, बैंड ऑर्गेनाइजेशन से धन ले रही थी तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की है? मैं एक बार फिर बता रही हूँ, ये बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां एक तरफ कैश निकल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कैश लेने के आरोप लग रहे हैं, तीसरी तरफ आरोप बयानों के भी लग रहे हैं। के शर्मा जी, जरा इस पर एक बार आपसे रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि खबर तो दूसरी है डिबेट की, लेकिन ये खबर अभी अभी आ गई है और ये बड़ी खबर है कि एक आतंकी संगठन से पैसे लिए गए, $16 मिलियन लिए गए और ये फंडिंग हुई है, इसकी सिफारिश एलजी साहब ने कर दी है कि जांच हो इस पर। अब ये स्कैनर और रडार पर पहले से आप लोग कहते आए कि अरविंद केजरीवाल थे, क्योंकि जब से कुमार विश्वास ने वो बयान दिया था कि ये खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते, तब से ये आरोप कहीं ना कहीं लगते रहे विपक्ष द्वारा उनके ऊपर। के शर्मा जी, देखिए सुचेता जी, ये जांच एजेंसियों का काम है कि जब उनके पास तथ्य और पूर्ण होते हैं तो अपनी जांच एजेंसी अपनी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाते हैं और उसके आधार पर जांच होता है। लेकिन जिस विषय को आपने अभी आतंकी वाला विषय लिया, यदि आप चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सुने, आप फारूक अब्दुल्ला का बयान सुने और फिर इस घटना को जोड़े, तो ये तीनों ही घटना आतंकवाद से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान जो आतंकवाद का गढ़ है, उसकी परमाणु शक्ति की धमकी दे रहे हैं कौन? ये विपक्षी गठबंधन के लोग भारत को। चरणदीस चवन्नी जो चवन्नी है, जो पता नहीं चन्नी चन्नी साहब जो हैं, वो बता रहे हैं कि ये स्टंट है पुलवामा का घटना, और जो भारत ने एयर स्ट्राइक किया आतंकवादियों को, घुर पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है, ये उसके विरोधी हैं और पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं कि साहब क्यों भारत ने घुस के मारा, ये उसका विरोध कर रहे हैं। और तीसरी, आपने जो कहा कि ये जो आतंकी फंडिंग की बात कही, ये तीनों ही बातों को जोड़ेंगे तो एक ही तथ्य है इसके अंदर। हाँ। आज ये देखिए कि विपक्ष की भाषा क्या हो गई है, हताश और निराश विपक्ष जो है, आज जो बौखलाहट में पाकिस्तान और आतंकियों के एजेंट की भाषा बोलने लगी है। ये वही विपक्षी दल है सुचेता जी, ये भी ध्यान रखने वाला विषय है। हाँ।
इन्हीं के गठबंधन के एक दल ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा कि देश की सारी परमाणु शक्तियों को समाप्त कर देना चाहिए। यह सीपीएम के मैनिफेस्टो का हिस्सा है जो इनके मुख्य गठबंधन दल है बिहार से बैठी है यहां पर, जिन्होंने 5 सीट दिया है वहां पर इस गठबंधन को, इस दल को। वो कहता है कि देश की परमाणु शक्तियों को जितने भी है उसको समाप्त कर देना चाहिए, दरिया में फेंक देना चाहिए और हम आएंगे तो कर देंगे। आप साजिश तो सोचिए कि इस देश को बर्बाद करने की आज विपद किस स्तर तक जा चुका है कि वो देश की परमाणु शक्ति, पाकिस्तान परमाणु संपन्न है भारत वो बता रहा, फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं, चीन परमाणु संपन्न है वो भारत पे कभी भी अटैक करने की स्थिति है, और हमारे देश की परमाणु शक्तियों को हम समाप्त कर दें। और ये वही दल है, याद रखिएगा सुचेता जी, जब पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ ये लोगों ने अटल जी पर प्रश्न उठाए, ये वही कांग्रेस है जो भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं बनना देना चाहती थी। उस समय प्रश्न उठाया इन लोगों ने कि क्यों किया। तो ये आप ये समझ लीजिए कि इनकी सोच क्या है। ये पाकिस्तान से जाकर सहायता मांगते हैं कि मोदी जी की सरकार को समाप्त करना है। और जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है सुचेता जी, आज जो नोट की गड्डी पूरा देश देख रहा है, ठीक, ये कुछ महीने पहले कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए बरामद हुए, उस समय भी लोगों ने कैश देखा। मैं कल के लिए पूछना चाह रही हूँ, कुछ घंटे बचे हैं वोटिंग में, केके शर्मा जी, कुछ घंटे बचे हैं और बीजेपी आरोप ये लगा रही है। मैं भी बोल देता हूँ, इसके बाद बुलवा लीजिएगा। ना मैं उसमें ही बोल देता हूँ, एक मात्र लालू प्रसाद यादव स्वतंत्र भारत के ऐसे भ्रष्टाचारी सजायाप्त नेता है जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। अब पूरा परिवार आधे सदस्य भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बेल में। मैं इधर प्रियंका जी से पूछ लेती हूँ, इसी प्रियंका जी बीजेपी आरोप लगा रही है कि धन तो बेर निकल रहे हैं, जहां धन उगल रहा है। एक सेकंड जरा, क्योंकि जेएमएम वहां पर हेमंत सोरेन जेल में है, उनके नेता, उनके मंत्री वहां, उनके मंत्री के पीएस के कर्मचारी के यहाँ, अब बोलिए वहां पर जिनकी शायद आमदनी ना हो 30,000, उनके यहाँ पे 30 करोड़ निकल रहा है, ये कैसे निकल रहा है प्रियंका जी, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगी जरा ये एक बार बता दीजिए। सुचारिता जी, सबसे पहले तो बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने जिस तरह से एक दलित मुख्यमंत्री को चन्नी जी को भी चवन्नी कहा, ये इनकी जातिवादी मानसिकता को भी पूरे देश में जग जाहिर किया है कि भाजपा कैसी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी पार्टी है। और अभी रही आप बात कर रही हैं पैसे की तो और पाकिस्तान की, तो ये वही प्रधानमंत्री जी है ना, नरेंद्र मोदी, देश के पहले प्रधानमंत्री, तो छुप छुपा के पाकिस्तान चले गए, नवाज शरीफ जी के यहाँ बिरयानी खाए, देश को पता तक नहीं चला। वही प्रधानमंत्री है ना जिन्होंने 52 करोड़ रुपए लिए और देश के 140 करोड़ जनता की जिंदगी का सौदा कर दिया। आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं, अपने ऊपर लिखा ना केके शर्मा जी को, पर मोदी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उस देश में किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कोविशील्ड कैसे लगवा दिया उन्होंने, अभी उसकी रिपोर्ट आई है ना कि किस तरह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक सब कुछ हो रहा है, किसका सौदा किया, ये किसके सौदेबाज लोग हैं। और आप आगे बात करिए पाकिस्तान के गिरिराज सिंह जी, जितना मुंह पे राम नहीं आता होगा ना उतना मुंह पर इनके पाकिस्तान आता होगा, ऐसे लोग हैं ये लोग जिनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, खाली इधर उधर की बात करेंगे। अब आते हैं पैसे के ऊपर है बात, चंदे का सौदा करके धंधा देने वाले लोग पैसे पे बात करेंगे। अभी कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि 350 करोड़ रुपया मिला था, उसके बाद की रिपोर्ट लगता है पढ़ते नहीं है, बहुत क्लियरली मेंशन था कि वहां पर कुछ नहीं निकला, टैक्स वगैरह का उन्होंने सारा स्लिप दिखा दिया, क्लीन एंड क्लियर। चुनाव के समय में करवाएंगे हैं क्योंकि ईडी को इन्होंने वसूली प्रकोष्ठ बनाकर रख दिया है। तो ये है ऐसे भाजपाई लोग। और अभी आप एक और सवाल वहां पर उठा रही थी, शहीदों के नाम पर वोट, अभी आप कह रही थी ना कि लोग शहीदों का मजाक बनाते हैं, शहीदों के एक मिनट, प्रियंका जी मैं अपने सारे मेहमानों से कह रही हूँ, दो बड़े मुद्दे हैं आज जिन पर हम बात कर रहे हैं, एक तरफ ये कैश जो निकल रहा है, दूसरी तरफ वो बयान जो दिए जा रहे हैं, तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। प्रियंका जी एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, मैं पहले इस कैश कांड पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो नोट निकल रहे हैं, सुनिए प्रियंका जी मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप ये जो कैश उगल रही है, ये मशीन्स जो गिनती चल रही है, मेरा एक सिंपल सा सवाल था कि जिसके घर की आमदनी मैंने पूछा 30,000 नहीं है, उसके घर में 30 करोड़ क्या कर रहे हैं, ये सवाल आप खुद से भी पूछिए फिर जवाब दीजिए। सारिता जी, हाँ
सुचारिता जी, अब मैं आपको जवाब देती हूं। जिस तरीके से भाजपा ने ईडी को वसूली प्रकोष्ठ बनाकर छोड़ा है, ये पूरे देश में जग जाहिर है। लेकिन मुझे समस्या इस बात से हुई कि जिस तरीके से ये जातिवादी शर्मा चलने को चला, आपने इसको रोका कैसे नहीं? अरे शर्मा चलने को चवन नहीं बोलेगा, लालू यादव पे बोलो, अब चवन नहीं बोलिएगा। इतनी हो गई है इस देश में, संविधान अभी दिन समझ लीजिए, और इस संविधान के आगे आपका मन लालू तो नहीं चलेगा। दलित नेता मेरा चवन नहीं बोल रहे यहाँ पर। देखिए मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग शिष्टाचार का ध्यान रखें, मैं यहाँ पर क्लास तो नहीं लगा रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग मोदी जी के बारे में ऐसे बोलते हैं, वो लोग लालू जी के बारे में ऐसे बोलते हैं, ये तो मैं कितने डिबेट से देख रही हूँ, तो पहली बार नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, सवाल का जवाब है, सवाल का जवाब है, ठीक है। मैं जा रही हूँ एक बार प्रोफेसर स्वामी जी के पास।